अस्सलाम वालेकुम, क्या हालचाल दोस्तों। मेरा नाम अली है और भाई प्राइस कट तो ऐसे लग रहे हैं ना जैसे भाई मतलब खिजा में पत्ते झड़ते हैं दरख्त से, वैसे ही है। जी हाँ दोस्तों, एक फ़ोन के बारे में मैंने प्रेडिक्शन की थी कि ये फ़ोन भाई 50,000 से ऊपर वैल्यू डिजर्व नहीं करता और लोगों ने 85-85, 90-90 हज़ार रुपये में लिया। जी हाँ दोस्तों, ये है इन्फिनिक्स का नोट 30 प्रो। पाकिस्तानी मार्केट में 46,000 रुपये में बिक रहा है और ईद से पहले अगर आप लेने में प्लान रखते हो ना भाई, मैं आपको कुछ रीज़न देने वाला हूँ कि हाँ भी इस वजह से आप उसको परचेज कर सकते हो और कुछ रीज़न ये देने वाला हूँ कि इसको नहीं परचेज करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, पसंद आए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक लाइक देके मोटिवेट कर सकते हो। मजीद इस तरह की वीडियो लेनी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। वेल दोस्तों, इससे पहले कि हम इस फोन के फीचर्स की बात करें, देखो भाई इन्फिनिक्स ने अपनी नोट सीरीज भी लॉन्च कर दी है। अभी ऑफलाइन मार्केट में आएगी, मैं परचेज करूंगा तो ही कवर कर सकूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेट वो ईद के बाद ही आपको मतलब 17-18 तारीख के बाद ही कॉन्टेंट दे पाऊंगा। बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये वीडियो बनाने के बाद जो है ना वो अल्लाह के घर रवाना हो रहा हूँ और आपको जा बजा कुछ वीडियोज़ अभी बन जाएंगी इसके बाद, तो वो फिर आपको टाइम टू टाइम ईद से पहले तो मिल जाएंगी, बाकी इंशाल्लाह ताला अल्लाह के घर से और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक से ही आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। इंस्टाग्राम पर ज़रा फॉलो कर लीजिएगा। अब बात करते हैं थोड़ी सी मुद्दे की बात यह कि इन्फिनिक्स ने अपनी नोट सीरीज भी लॉन्च कर दी है। 55,000 और 70,000 रुपये रिटेल प्रो वेरिएंट की 70,000 रुपये रिटेल प्राइस है। इसके बारे में जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। अनडाउटली पहले से तो प्राइस कम आई है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि ज़्यादा प्राइसेज हैं। लेकिन अगर हम नोट 30 प्रो की बात करते हैं और इन्फिनिक्स हॉट 40 की बात करते हैं तो बिल्कुल सिमिलर टाइप की स्पेसिफिकेशन आपको जो है वो देखने को मिलती है, लाइक रीब्रांडेड फोन ही है। तो 46,000 वाले फोन को आप कंसीडर कर सकते हो राइट नाउ। पहली रीज़न ये है कि डिस्प्ले भाई वही आपको देखने को मिलता है, बट यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले और थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। बट इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक एमोलेड पैनल मिलता है जो कि 10-bit कलर्स को सपोर्ट करता है। ये पहला रीज़न है लेने का। 6.77 इंचेस का डिस्प्ले है, 1080p रेजोल्यूशन के साथ आता है, बेजल एक्सपीरियंस अच्छा है, वाइड वन एलवन की सपोर्ट मिल जाती है। इस पैसों में एमोलेड पैनल्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है मार्केट में, तो इसको आप एमोलेड पैनल की वजह से परचेस कर सकते हो 46,000 रुपये में इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो को। बाकी आउटडोर विजिबिलिटी 800 या 900 के पीक ब्राइटनेस नेट्स है, नॉट बैड। लेकिन कुछ पैसे डाल के टेक्नो स्पार्क टू एंटी प्रो प्लस भी आ जाता है, लेकिन वो 50 से ऊपर चला जाता है। अगर आपके पास है 46,000 रुपया तो अनडाउटली ये वाला फोन अपने डिस्प्ले से तो बाकी फोन्स को कम्पीट करता है। एक तो 120 हर्ट्ज है, आपको रिफ्रेश रेट भी अच्छा मिलता है, यहाँ पर कुछ ग्लास की प्रोटेक्शन भी है किसी कंपनी की, वो भी आपको देखने को मिल जाती है। बट अगली बात करते हैं तो रैम और रोम का वेरियंट भी अच्छा है। मीडियाटेक हेलियो G99 यही फोन लोगों ने 85-85 हज़ार रुपये में भी लिए हैं, तो भाई आज अगर आपको ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट में मिल रहा है तो भाई इसको हार्डवेयर को हम कैसे बुरा कह सकते हैं। वैसे बेंचमार्क स्कोर जो है ना ये तकरीबन 4.25 लाख के हिट कर लेता है। XOS ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, थोड़े से कॉम्प्रोमाइज ये है कि एड्स और ब्लॉटवेयर आपको इस फोन में देखने को मिल जाएंगे। बाकी UFS की स्टोरेज है, साथ के साथ आपको रीड और राइट की स्पीड भी गुजारे वाला ही मिल जाती है, अच्छी मिल जाती है। हाँ, इस फोन के अंदर आप 40 FPS गेमिंग कर सकते हो, जायरो भी ठीक है, गेमिंग के लिए भी थोड़ी बहुत डिसेंट गेमिंग करनी हो तो वो कंसीडर कर सकते हो। बाकी डे टू डे यूजेज अच्छा है। इन्फिनिक्स के अंदर आपको कॉल डायलर जो है ना वो कॉल रिकॉर्डिंग वाला मिल जाता है, उसकी वजह से भी आप इसको कंसीडर कर सकते हो, और 8GB 256GB की वजह से भी आप इसको कंसीडर कर सकते हो। तीसरे रीज़न की बात करूँ कि भाई यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट मिलती है, ये चीज़ अच्छी है कि 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट कर लेता है। वायर्ड चार्जिंग भी आपको यहाँ पर जो है ना वो 68W की देखने को मिल जाती है। तो मेरे ख्याल में वायर्ड चार्जिंग जो है वो मैटर करती है। अब जो इन्फिनिक्स नोट 40 है ना उसके अंदर आपको मिल रही है 70W की, तो यहाँ पर 2W की वजह से आपको 10,000 रुपये क्या ज़्यादा भरना भाई, एक्सपीरियंस तो सेम ही होगा। तो यहाँ पर आप वो चीज़ें कर सकते हो, लाइक आपको एक्सट्री आउट मिलती है, वहाँ पर बस वायरलेस चार्जिंग थोड़ी ज़्यादा है इन्फिनिक्स नोट 40 में। यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग 15W की है और मुझे नहीं लगता कि वायरलेस चार्जिंग एक रियल लाइफ कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग मतलब डेली यूज़ कर सकें। हाँ, वो कभी ऐसा है कि भाई ऑफिस में बैठे हुए टेबल पर रखा हुआ है और वैसे भी वो स्लो चार्ज होता है, फास्ट चार्ज इतनी सपोर्ट नहीं करता, तो वायर चार्जिंग की आदत पड़ गई है भाई, तो वायर चार्जिंग अच्छी मिलती है। बट इतने पैसों में कोई भी फ़ोन आपको वायरलेस चार्जिंग ऑफर नहीं करता, तो आप इसको वायरलेस चार्जिंग की वजह से भी कंसीडर कर सकते हो। मुझे पता है यहाँ से बहुत सारे दोस्त ये कह रहे हैं यार कैमरा के बारे में बात नहीं करा। देखो, मेरे लिए इन्फिनिक्स के फ़ोन की लेने की रीज़न होती है सबसे पहले ये प्राइस कम ऑफर करते रहे हैं पहले, लेकिन बीच में ओवर प्राइस भी होने लग गए और ब्लैक मार्केट ने भी उसको बहुत ज़्यादा उठा लिया। उसके बाद फिर आ जाती है कि भाई चलो डिस्प्ले अच्छे देने लगे, थोड़े शेप भी अच्छी देने लगे, डिज़ाइन भी अच्छा है। वैसे इस इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो में आपको जो है ना IP53 की रेटिंग भी मिल जाती है, डिज़ाइन अच्छा है, स्मजेस नहीं पड़ते, ये सारी चीज़ें बॉक्सी डिज़ाइन वगैरह जो है ना वो अच्छा मिल जाता है। ना लेने वाले रीज़न मेरे पास पहला ये रीज़न होगा कि इन्फिनिक्स के फ़ोन को कभी भी मैं कैमरा का जो है ना वो कंसीडर नहीं करता, अच्छा कैमरा नहीं कंसीडर करता, बिकॉज ये एक्सपोजर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, फ्लिकरिंग स्किन टोन को मेंटेन नहीं रखते,
तो यहाँ पर ये चीजें आपको इस फोन के अंदर बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। फ्रंट पर 32 मेगापिक्सल है, रियर पर 108 मेगापिक्सल है। अगेन ये बात याद रखिएगा कि इस प्राइस सेगमेंट में नॉट बैड कैमरा, बट मैं इसको दी बेस्ट कैमरा नहीं बोलूंगा। कैमरा फोन्स आपको जो किट फोन मिल रहे होते हैं उनके अंदर आपको ज्यादा बेटर कैमरा स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, लेकिन अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको सिर्फ कैमरा चाहिए, कैमरा अच्छा चाहिए, वो इस पैसों में बॉक्स पैक फोन कोई नहीं है। लेकिन ये डिसेंट कैमरा स्पेसिफिकेशन को मैं बोल सकता हूँ, डिसेंट डे लाइट में ठीक काम कर लेता है, लेकिन इंडोर लाइट्स में उतनी स्ट्रगल करते हैं, तो ये चीज़ आपने माइंड में रख के जानी है। दूसरी ना लेने का रीज़न, इन्फिनिक्स की यूआई का थोड़ा सा इशू रहता है, ये बात आपने माइंड में रखनी है। इनका क्वालिटी चेक का इशू रहता है, ये तीसरा रीज़न है। एक तो यूआई का इशू ये है कि कुछ चलने के बाद स्लो हो जाते हैं, और जो क्वालिटी चेक का इशू ये है कि बहुत सारे फ़ोन्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मसले आते रहते हैं। ये नहीं कि सभी फ़ोन्स में मसले आते हैं, बट मैंने जितना भी लोगों में सुना है या अगर लोगों से इंटरेक्ट किया है, जो शॉपकीपर से भी इंटरेक्ट किया है, उन्होंने यही बताया कि यार इन्फिनिक्स के फ़ोन्स के अंदर क्लेम बहुत आता है, कभी फिंगरप्रिंट सेंसर छोड़ जाता है, कभी कुछ प्रॉक्सिमिटी सेंसर का इशू आ जाता है, कभी कोई छोटे मोटे प्रॉब्लम आ रहे हैं, कभी सिग्नल्स की कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो कीप इट इन योर माइंड कि आपने आप जब फ़ोन बाय कर रहे हो तो उसकी क्वालिटी चेक क्या है। अगर इसी तरीके से हम लोग बाकी कंपनीज को कुछ देखते हैं ना, जैसे कि वीवो है, ओप्पो है, इनके क्लेम रेशियो कम है क्योंकि ये क्वालिटी चेक पूरा रखते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा महंगे हैं, और यहाँ पर ये चीज़ हमें जो है वो देखने को मिल जाती है। बहरहाल ये चीज़ आपने माइंड में रख लेनी है कि क्वालिटी चेक जो है वो इश्यूज़ आते हैं, तो अगर आपको कम पैसों में ये फीचर मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपको जो है देखने को मिलेगा। तो दिस इज़ इट, मेरा ये छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर आप 46,000 रुपये में ईद से पहले फ़ोन लेना चाह रहे हो, तो 8-10 मिनट में मैं आपको ये समझा दूं कि वाई शुड यू बाय दिस फोन और वाई शुड यू नॉट बाय दिस फोन। बाकी अल्लाह के घर जा रहे हैं, रस्ते में इंशाल्लाह ताला दुआएं करते जाएंगे, वहां पहुंच के भी दुआएं करेंगे, और वापस आके आपको इन्फिनिक्स के जो नोट सीरीज वाले फोन है उनको भी हम कवर करते हुए मिलेंगे। तो आज की वीडियो में तो ही है, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे इजाजत, मैं होली बात मार सकते पाकिस्तान, फाइनाबाद, अल्लाह हाफिज़।